दिया। दूसरे मिसरे पे डाल चाहूंगा कि बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, हवा ने असर किया। माने दुआएं की तो दवा ने असर किया। बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, हवा ने असर किया। मानी दुआएं की तो दवा ने असर किया, मानी दुआएं की तो दवा ने असर किया। चार मुझसे यहाँ की याद आए मुझे, असल में स्कूल के कैंपस में ये मुशायरा है, सबसे बड़ा फोकदान तरबियत का हुआ है। पहले बस हिसाब तो बहुत बढ़ती है, मैं जरा जरा से बच्चों को देखता हूँ, माँ भोरी की तरह किताबें लाती है, लेकिन तरबियत का बड़ा फोकदान है। हम जब छोटे छोटे से थे, मेरे वाली जब मुझे स्कूल में दाखिल कराने ले गए, ये वाली उंगली पकड़ाई और मैं बराबर बराबर चल रहा था, तो मेरे वाली साहब ने फरमाया कि बेटे बड़ों से दो कदम पीछे चलना चाहिए, इससे रिश्तों का भी पता चलता है और मनसब का भी पता चलता है। तो काली की एक बात मुझे और भी अच्छी लगी, जिससे पहले मैंने बहुत देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं अर्ज करता हूं कि जो तेरे साथ रह के कट जाए, जो तेरे साथ रह के कट जाए वो सजा भी सजा नहीं लगती, जो तेरे साथ रह के कट जाए वो सजा भी सजा नहीं लगती। जिसने मां बाप को सताया हो उसको कोई दुआ नहीं लगती। अरे बाप, जिसने मां बाप को सताया हो उसको कोई दुआ नहीं लगती। और चार मिसरे आपकी नजर और करता हूं। अर्ज क्या है कि धूप को साया जमीन को आसमां करती है मां, धूप को साया जमीन को आसमां करती है मां, हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबा करती है मां। अब देखिए एक तस्वीर अगर आपके सामने आए तो ये मेरी खुशनसीबी, एक हदीस पाक का तर्जुमा है कि अगर कोई अपने मां बाप को मोहब्बत की नजर से एक बार दिन में देख ले तो मकबूल हज्जे बैतुल्ला का सवाब है। मकबूल यानी गारंटी कार्ड साहब है, और ये ऐसी शख्सियत का गारंटी कार्ड है, ये यहां से लेके वहां तक फेल नहीं होता। हाँ, दुनिया जाती है हज पर, लेकिन मकबूल है कि नहीं है ये किसी को पता नहीं। तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने घरों में जिनके मां बाप जिंदा हैं वो रोजाना ना जाने कितने हज करें, कि धूप को साया जमीन को आसमां करती है मां, हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबा करती है मां, के हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबा करती है मां। मेरे दोनों मित्रों में एक विशेषकर फरमाया भाई, के हाथ रखकर मेरे सर पर साहिबा करती है मां, मेरी खाजिश और मेरी इज्जत उसके कदमों पर निसार, मेरी खाजिश और मेरी इज्जत उसके कदमों पर निसार, हां की गुंजाइश ना हो तो फिर भी हां करती है, हां की गुंजाइश ना हो फिर भी हां करती है मां, फिर भी हां करती है मां। एक शेर मुझे और याद आता है, मैं मसला बनाए मसला है शेर अर्ज करता हूं। तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूं, तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपनी शेर सुनाता रहता हूँ, खुद को अपनी शेर सुनाता। सियासत और अदब का फासला मुलाजा फरमाए कि खुद को अपनी शेर सुनाता रहता, वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूँ, वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूँ।
और बात शुरू की थी कि बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, माँ ने दुआएं की कि दवा ने असर किया। फिर से रद करता हूँ कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, कि जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूँ, के पांव दबाता रहता हूँ। औरों की बनिस्बत तो कुछ हमसे सितम सितम, औरों की बनिस्बत तो कुछ हमसे सितम सितम तम है, माना के कर्म है ये लेकिन ये कर्म कम है, माना के कर्म है ये लेकिन ये कर्म कम है। और दीवार गिराने में दुश्मन भी मरादब कर, दीवार गिराने में दुश्मन भी मरा जब तक दीवार के गिरने का इस वास्ते कम कम, दीवार के गिरने का इस वास्ते कम कम है। एक मतला और दो शेर और मुलाजा फरमाए। अर्ज करता हूं कि दो बूढ़े चराहों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चराहों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चराहों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चराहों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, आए जो बहु हाथ से बेटा न चला जाए, आए जो बहु हाथ से बेटा न चला जाए।